फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में सामूहिक रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में रक्तदाताओं ने भाग लिया। फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में सामूहिक रक्तदान शिविर में कई संस्थाओं के लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में नगर के गणमान्य लोगों के साथ साथ समाज सेवियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यह रक्त जरूरतमंद लोगों के काम में आएगा। हैक्स न्यूज के लिए राजा यादव की। रक्तदान शिविर लगाया गया है आज जायंट्स इंटरनेशनल में फिरोजाबाद की चारों शाखाओं के द्वारा, जिसमें मुख्य शाखा महिला शक्ति सहेली समूह और फिरोजाबाद ग्लास सिटी के द्वारा एक संयुक्त प्रयास में ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है। और आप देख रहे हैं इसमें सभी शाखाओं के सदस्य ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तकरीबन 40 लोग ब्लड डोनेट कर चुके हैं और अभी लोग आ रहे हैं। कब तक चलेगा ये? ये आज शाम तक चलेगा, शाम को 4 बजे तक। और आज के कार्यक्रम का उद्देश्य ब्लड डोनेशन कैंप के साथ साथ लोगों में ब्लड डोनेट करने के प्रति एक अवेयरनेस क्रिएट करना भी है। लोगों में ब्लड डोनेट के प्रति एक मन में साइकोलॉजिकल फियर है। हम चाहते हैं कि लोगों में जागरूकता बने, अवेयरनेस बने, लोग आगे बढ़कर ब्लड डोनेट करें। जो भी स्वस्थ है, 18 साल से लेकर 50 साल तक के युवा जो भी है, स्वस्थ जो व्यक्ति है, वो ब्लड डोनेट अवश्य करें। किस तरह का शिविर लगाया आज हमारे जायंट्स ग्रुप के जो चारों ग्रुप फिरोजाबाद में है, सब ने सामूहिक रूप से यहाँ रक्तदान शिविर लगाया है। और ये शिविर जो है हमने जागरूकता के लिए लगाया है कि लोग प्रेरित हों, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड डोनेट करें। क्या नाम है आपका? आई एम शशांक, वी आर द विजिटर ओवर हियर। और हम लोग मैनेजमेंट देख रहे हैं यहाँ की रिगार्डिंग दिस ब्लड डोनेशन कैंप। तो काफ़ी सिटीज़ में हम लोगों ने देखा है, इस जगह की मैनेजमेंट काफ़ी अच्छी है। इस हॉस्पिटल में जिस तरह से लोग आ रहे हैं, रिस्पांस काफ़ी पॉजिटिव जा रहे हैं। मेरे साथ में दोनों अथॉरिटेटिव सीनियर्स खड़े हुए हैं, इन लोगों ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया। इस तरह से हम लोग कुछ फेसबुक एंड ऑल पे इस तरह की मुहिम चला रहे हैं, जहाँ पर लोगों ने कुछ रिप्रेजेंटेशंस डाली थी, उसके बेसिस पे इस तरह के हम लोगों ने प्रोग्राम चलाए हैं। तो अभी तक पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, बाकी आगे देखते हैं।